ब्रज जन रंजन। जय यशोदा नंदना, जय ब्रज जन रंजन। जया यमुना तीरा बन चारी, जया कुंज बिहारी। जया यमुना तीरा बन चारी, जया कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जया प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा, जय प्रभु पदा। सब लोग प्रणाम करें। जय ओम विष्णु पाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर श्री श्री मधेश डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री मां सादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरी टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू सिमिल डिवोटीज, ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। सब लोग मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 16। अध्याय का नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। श्लोक संख्या 19, पृष्ठ संख्या 499, 499 पेज नंबर 499। सब ने निकाल लिया। फोर नाइन्टी नाइन 499।
तो मेरे पीछे बोलिए, तान अहम दुष्टः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्य जस्रम् अशुभान् आसुरेष्वेव योनिषु तान् अहम् दुष्टः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्य जस्रम् अशुभान् आसुरेष्वेव योनिषु तान् अहम् दुष्टः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्य जस्रम् अशुभान् आसुरेष्वेव योनिषु। बोलिए, नहीं बन रहा और कोई? और कोई बोलेगा? शब्दार्थ बोलिए, तान उन अहम मैं दुष्टः ईर्ष्यालु क्रूरान शरारती लोगों को संसारेषु भवसागर में नर अधमान अधम मनुष्यों को छिपामि डालता हूँ अजस्त्रम सदैव अशुभान अशुभ आसुरीषु आसुरी एव निश्चयी योनिषु गर्भ में अनुवाद मेरे पीछे बोलिए, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम है उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुर योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। तो यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए, भूमिका में पहला पेज निकालिए सब लोग। भूमिका में पहला पेज निकालिए सब लोग। सब लोग मेरे साथ बोलें, ओम अज्ञान तिमिरांधस ज्ञानांजन शलाकायां चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांधिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पितरुभ्यश्च कृपासिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी श्लोक को फिर से निकालिए। इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं तान अहम दुषितः क्रूरान संसारेषु नराधमान। उन द्वेष करने वाले क्रूरों को मैं गिराता हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं गिराता हूं उन द्वेष करने वाले क्रूर नराधमों को मैं गिराता हूँ। छिपामी अजस्रम, अजस्रम माने लगातार लगातार गिराता हूँ। छिपामी अजस्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु, अशुभ आसुरी योनियों में ही गिराता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे द्वेष करने वाले क्रूर और नराधमों को मैं लगातार आसुर योनियों में गिराता हूँ। लगातार भगवान गिराते हैं, मतलब अगला जीवन भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। बातें नहीं, आपस में मीटिंग नहीं। आप लोगों से प्रार्थना है आपस में बिल्कुल मीटिंग नहीं करेंगे, कोई बातें नहीं आपस में। तो भगवान कह रहे हैं लगातार मैं आसुर योनियों में ही गिराता हूँ। इसका मतलब क्या है कि आपको जो मनुष्य का जीवन मिला है, इस जीवन में आपके हाथ में है, आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं, जितना सही गलत आप चाहें करें। लेकिन अगला जीवन आपके हाथ में नहीं, अगला जीवन आपके हाथ में नहीं है। आपने ये शरीर छोड़ दिया, अब आपके हाथ में नहीं कि आपको कैसा शरीर मिलेगा। और भगवान कह रहे हैं कि मैं लगातार उनको आसुर योनियों में ही गिराता हूँ, अशुभ आसुर योनियों में गिराता हूँ। अशुभ योनियाँ हैं और आसुर योनियाँ हैं। अशुभ योनियाँ हैं मतलब बहुत असुविधा है। अब हमारा मनुष्य का शरीर है, इसमें कितनी सुविधाएं हैं। हाथ अलग हैं, पैर अलग हैं, आँख अलग हैं, तो कई प्रकार की सुविधाएं हैं। ये जो दूसरे शरीर होते हैं उनमें बहुत असुविधाएं, हाथ ही नहीं, दूसरे योनियों में उनके हाथ ही नहीं है। और किसी किसी योनि में हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, है ना। तो बहुत असुविधा है, अशुभ योनियाँ हैं। और भगवान कहते हैं मैं गिराता हूँ, तो आप कुछ नहीं कर सकते। भगवान गिराएंगे और लगातार गिराएंगे, बार बार गिराएंगे। क्यों? आपको मनुष्य का शरीर मिला था, उसका आपने दुरुपयोग किया और खूब जम करके दुरुपयोग किया, तो मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। और लगातार भगवान आपको गिराएंगे, आसुर योनियों में गिराएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं लगातार उनको आसुर योनियों में गिराता हूँ। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की इस श्लोक में स्पष्ट इंगित हुआ है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त है।
मतलब आप तो सोचते हैं कि अगला जीवन ही नहीं होता है, तो आपके सोचने से क्या है, आपके सोचने से कुछ नहीं होता है? आजकल की शिक्षा क्या कहती है, अगला जीवन नहीं है? आजकल की शिक्षा में कोई व्यक्ति जितना अधिक शिक्षित हो जाता है उतना ही अधिक वो मूर्ख बनता है, अगला जीवन नहीं है। ये क्या शिक्षा है, बिल्कुल पशु। तो आज की जो शिक्षा है वो मनुष्य को पशु बना रही है, और अगला जीवन है, और भगवान कह रहे हैं कि ऐसी दुर्घटना होगी, ऐसी दुर्घटना होगी। आप नहीं विचार करते हैं कैसी दुर्घटना होगी कि मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, लगातार कई जन्मों तक आपको मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा, और कई जन्मों तक आपको अशुभ आसुर योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। जब तक ये जीवन है तब तक आप कहते रहो कोई ईश्वर नहीं है, कोई अगला जन्म नहीं है। आज की शिक्षा क्या है, यही है, ना कोई ईश्वर है और ना अगला जीवन है। तो फिर जो मर्जी हो वैसा करो, आपकी जो मर्जी वैसा करो, कोई ईश्वर है ही नहीं, अगला जीवन ही नहीं है। लेकिन ईश्वर, यहां ईश्वर कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं, ईश्वर बोल रहे हैं कि मैं अगला जीवन दूंगा। आप तो सोचते हैं कि अगला जीवन नहीं है, अगला जीवन है। तो गीता का प्रारंभिक सिद्धांत है कि शरीर नश्वर है और जीवात्मा हमारा है, जीवात्मा नष्ट नहीं होता है। तो जीवात्मा नष्ट नहीं होता है तो अगला शरीर मिलेगा, और अगला शरीर मिलेगा तो आपके हाथ में नहीं है कि आप कैसा शरीर बनाना चाहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि स्पष्ट यहाँ पर बताया गया है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त है। अब आपके हाथ में यह अधिकार नहीं है कि आप कैसा शरीर बनाना चाहते हैं। आप तो चाहते हैं कि अच्छे परिवार में जन्म मिले, धनी परिवार में जन्म मिले, शिक्षित परिवार में जन्म मिले, बहुत सुविधाजनक जन्म मिले, स्वस्थ शरीर में जन्म मिले, लेकिन आपके चाहने से कुछ नहीं होता। अगर आप जो है द्वेष करते हैं, क्रूर हैं, नराधम अधम है, तो भगवान आपको जो है मनुष्य का शरीर नहीं देंगे, बल्कि बार बार आसुरी योनियों में जन्म देंगे, और आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को ना स्वीकार करें और वे अपनी निजी सनकों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं। तो अपनी सनक है, तो लोग अपनी सनक के अनुसार क्या कहते हैं, अरे क्या है, कुछ नहीं होता, क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, जो मर्जी है सो करो, कहाँ भगवान है, भगवान अगवान, कुछ नहीं होता, जो चाहो वैसा करो, भगवान अगवान, कुछ नहीं होता, है ना। लेकिन उस सनक से कुछ फायदा नहीं, ऐसी सनक के अनुसार आप जो कुछ भी कर्म करते हैं वो बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंध में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहाँ उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। तो माता के गर्भ में जब जीव आता है तो उसको
करोड़ों गुना यातना मिलती है, करोड़ों गुना यातना मिलती है ना, लेकिन तो भी वो जीवित रहता है गर्भ में, तो भी वो जीवित रहता है। तो भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि इतना कष्ट मिलता है माता के गर्भ में, लेकिन तो भी आप जीवित रहेंगे। कष्ट भोगने के लिए, कष्ट भोगने के लिए आपको जीवित रखा जाता है, आप नहीं मरते गर्भ के अंदर, आप नहीं मरते और कष्ट भोगते हैं। माता के अंदर जठर अग्नि बहुत गर्म, बहुत गर्मी लगती है। आप सोचिए पेट के अंदर जो अग्नि भोजन को पचाती है, है? वो कितनी तेज गर्मी होगी, और बच्चा उसी जठर अग्नि में वो भी जो है रहता है। आप समझ रहे, भोजन पच जाता है, कितनी गर्मी है? लेकिन आप नहीं मरते उसमें भी, आप नहीं मरते, आप नहीं पचते गर्भ के अंदर, बच्चा नहीं पचता है, वो तो नहीं पच रहा है, लेकिन कितनी गर्मी है, आप समझ रहे कितनी गर्मी है उसमें भी, इतनी गर्मी में है? वो बच्चा जो है जिंदा रहता है, कष्ट भोगने के लिए जिंदा रहता है, इतना कष्ट है माता की जठर अग्नि। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि माता के गर्भ में रखा जाता है, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं आपको वहाँ पर रखना, तो वो रखेंगे और हर स्थिति में भी आपको रखेंगे। जहाँ शरीर छूटने वाला है तो भी शरीर नहीं छूटता और आप रहते हैं उसमें। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, यही कारण है कि संसार में जीवों की इतनी योनियां प्राप्त होती हैं। हैं? कितनी योनियां हैं? 84 लाख योनियां हैं इस संसार में, 84 लाख योनियां हैं, है ना? और कारण क्या है? ईश्वर के कारण, ईश्वर की व्यवस्था से 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। यथा पशु कीट मनुष्य आदि, पशुवा तीन से लक्षणी, पशुओं में 30 लाख प्रकार की योनियां हैं। तो पशुओं में भी कुछ आसुरी योनियां हैं, कुछ तो पशु अच्छे होते हैं, जैसे बैल है, गाय है, तो ये सब जो है अच्छे पशु होते हैं, और कुछ आसुरी योनियां हैं पशुओं में भी, शेर है, चीता है, ये सब क्या है? आसुरी, आसुरी स्वभाव के हैं, देखते हैं और देखते ही जो है गुर्राते हैं और जो है काट डालते हैं, आसुरी स्वभाव के भी पशु हैं। कीड़े, कीड़े 11 लाख प्रकार के कीड़े हैं, इनमें भी बहुत से कीड़े आसुरी स्वभाव के हैं, द्वेष करने वाले हैं और क्रूर, जैसे सर्प है ना, द्वेष करते हैं और बड़े क्रूर होते हैं। पशु के कीड़ों में भी जो है आसुरी प्रकार की योनियां हैं, आसुरी योनियां हैं, और मनुष्य, मनुष्य 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं, है ना, कुल मिलाकर के 84 लाख। जलजा नवलक्षाणी, पानी के अंदर 9 लाख प्रकार के जल जंतु, तो पानी के अंदर भी जो है आसुरी स्वभाव के जीव हैं, ऐसे ऐसी मछलियां हैं और ऐसे ऐसे भयानक जलचर हैं, देखते ही खा जाते हैं, एक दूसरे को खाते हैं, और तो भी उनकी योनियां सुरक्षित हैं, तो भी उनकी संख्या कम नहीं होती समुद्र में। कितने जीव हैं समुद्र में, भरे हुए हैं, संख्या असंख्य है, एक दूसरे को खाते हैं लेकिन तो भी उनकी संख्या कम नहीं होती। तो भगवान की जो है इच्छा से ये सब सुरक्षा होती है। 9 लाख प्रकार के जलचर हैं, जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष्य विंशति, और 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं स्थावरा लक्ष्य विंशति, क्रम में रुद्र संख्या का। कीड़े 11 लाख प्रकार के हैं, पक्षी नाम 10 लक्षाणी, पक्षी 10 लाख प्रकार के हैं, पशुवा 3 लक्षाणी,
पशु 30 लाख प्रकार के हैं, मनुष्य चतुर्लक्षाणी, मनुष्य 4 लाख प्रकार के हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित हैं, ये अकस्मात नहीं आई हैं, अचानक नहीं आई। आज की शिक्षा क्या कहती है? आज की शिक्षा अचानक अचानक ये बन गया, अचानक वो बन गया, अचानक थोड़ी बनता है कुछ है? अच्छी तरह से पहले से पूर्व योजना होती है, दिमाग होता है हर चीज के पीछे, तब कहीं बनता है। ये टेबल अपने आप बन गई क्या? अचानक बन गई अपने आप? जिस टेबल में आप जिस टेबल में आप किताब रखे हैं अचानक बन गई क्या? किसी की योजना है, कोई प्रयोजन है तब ये बनी है। पुस्तकें अपने आप बन गई क्या? अपने आप छप गई, अपने आप बन गई, अपने आप बन गई। तो 84 लाख प्रकार क्यों नहीं अपने आप बन गई? सब के पीछे भगवान कारण है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, जहां तक असुरों की बात है, यहां ये स्पष्ट कहा गया है कि असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं, इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानवों में अधम है। ऐसे आसुरी होने वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं, सदैव उग्र, घृणास्पद और अपवित्र होते हैं। जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी होने से संबंधित माने जाते हैं। तो मनुष्यों में ये है, मनुष्यों में भी आसुरी योनियां हैं, पशुओं में भी आसुरी योनियां हैं, पक्षियों में भी आसुरी योनियां हैं, कीड़ों में भी आसुरी योनियां हैं। तो आसुरी योनियों में ही भगवान डालते हैं। अगर मनुष्य कभी अगर शरीर मिलेगा तो आसुरी मनुष्य आसुरी योनि में डाला जाएगा। कीड़े में भी अगर जन्म मिलेगा तो आसुरी योनि में डाला जाएगा। पक्षी में भी आसुरी योनि के पक्षी हैं, पशु आसुरी योनि के हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये सब आसुरी योनियां, और भगवान उनको बार बार उन आसुरी योनियों में डालते हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य समाप्त हो गया। तो हमें समझना है कि यहाँ पर भगवान अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अहम का मतलब क्या है? मैं, यानी श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो वे पिता हैं, सब जीवों के पिता हैं, भगवान पिता हैं। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवान तो पिता हैं, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? उन्होंने अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध का आश्रय लिया है। पिछले श्लोक में था ना कि वे भगवान का आश्रय नहीं लेकर के आश्रय लेते हैं अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, इसका आश्रय लेते हैं, है ना? भगवान का आश्रय नहीं लेते, है ना? और भगवान से द्वेष करते हैं। भगवान कहते हैं कि मुझसे वो द्वेष करते हैं, माम प्रद्युष्यन्तो, मेरे से द्वेष करते हैं, है ना? तो जो शत्रु हैं उनका आश्रय लेते हैं। ये शत्रु हैं, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, ये शत्रु हैं, इनका आश्रय लेते हैं। और भगवान जो मित्र हैं सबके, सुरदम सर्वभूताना, भगवान सबके मित्र हैं, तो उनसे द्वेष करते हैं, है ना? उनका आश्रय लेते हैं, है? तो जो कि शत्रुओं का आश्रय लेते हैं तो मुझसे द्वेष करते हैं। और भगवान को भी द्वेष है अभिमान से, अभिमान, बल, दर्प, काम, क्रोध, इनसे भगवान को द्वेष है। और भगवान को दीनता प्रिय है, ये दीनता के विरुद्ध है। क्या? अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, ये जो भाव है ये दीनता के विरुद्ध है, विनम्रता के विरुद्ध है। भगवान को जो है ये प्रिय है, दीनता प्रिय, विनम्रता प्रिय है। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध से द्वेष है, भगवान को द्वेष है। ईश्वरस्याभिमान द्वेषत्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च, अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध से द्वेष है, तो वे उनका आश्रय लेते हैं तो मुझसे द्वेष करते हैं, तो मेरा भी उनसे द्वेष हो जाता है। भगवान कहते हैं मेरा भी उनसे द्वेष हो जाता है। भगवान अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध से द्वेष करते हैं, तो जो लोग उनका आश्रय लेते हैं तो भगवान फिर उनसे भी द्वेष करते हैं। द्वेष करने वाले अहंकार के कारण
द्वेष करते हैं। अहंकार का मतलब क्या है? शरीर में अपनी पहचान करना। तो जब शरीर में अपनी पहचान करते हैं तो फिर आपका राग और द्वेष जरूर होगा। शरीर से संबंधित कोई चीज होती है तो उसमें आपको राग होता है और दूसरे से द्वेष होता है। जैसे शरीर गोरा है तो गोरे लोगों से आपको राग होगा और काले लोगों से द्वेष। तो गोरा और काला का बड़ा विरोध चलता है। जो गोरे लोग हैं काले लोगों से द्वेष करते हैं, जो काले लोग हैं वो गोरे लोगों से द्वेष करते हैं, है ना। शरीर भारतीय है तो पाकिस्तानी से द्वेष करते हैं, शरीर पाकिस्तानी है तो भारतीय से द्वेष करते हैं। राग और द्वेष, तो जो भारतीय है तो भारतीय से राग करता है और पाकिस्तानी से द्वेष करता है। जो पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी से राग होता है और भारतीय से द्वेष होता है। हिंदू है तो हिंदू से राग होता है और मुसलमान से द्वेष होता है। जो मुसलमान है उसका राग मुसलमान से होता है, हिंदू से द्वेष होता है। अहंकार, जब शरीर में अपनी पहचान करते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, तो फिर उसी प्रकार के शरीर में अपना राग होता है और दूसरे प्रकार के शरीर से द्वेष होता है। जैसे कंस ने सुना कि देवकी का आठवां पुत्र उसका वध करेगा, तो पहले अपनी बहन से राग था। देवकी का विवाह हुआ, वसुदेव जी के साथ विवाह हुआ, कंस की बहन है तो बहुत राग उसको, वो जो है प्रेम दिखा रहा है, लेकिन वो प्रेम नहीं होता, तब तो राग होता है, राग और द्वेष है, तो बहुत राग है। तो अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए जा रहा है कंस, लेकिन आकाशवाणी हुई कि इसका आठवां पुत्र तेरा वध करेगा। तो जैसे कंस ने सुना आठवां पुत्र मेरा वध करेगा, तो इसका आठवां पुत्र, अब वो देवकी का तो कुछ भी दोष नहीं है, वो तो एक बेचारी निर्दोष बहन है, आश्रित है, लेकिन जब कंस ने सुना कि इसका आठवां पुत्र मेरा वध करेगा, तो उसने तुरंत बाल पकड़ लिए देवकी के और सिर काटने के लिए तैयार हो गया उसी समय। देवकी की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। तो शरीर में अहंकार के कारण जितने भी अपने मन में या शरीर में दोष हैं उनमें भी अपनी पहचान हो जाती है। मैं जो भी करता हूँ, जो भी सोचता हूँ वही ठीक है, क्योंकि शरीर को आत्मा समझा है, शरीर को ही आत्मा समझा हुआ है। तो शरीर में और अपने मन में जो भी दोष होते हैं, जो भी कमियाँ होती हैं उनमें भी अपनी पहचान करता है वो, कि मैं ऐसा ही हूँ, यही शाश्वत, अपनी शाश्वत पहचान करता है ना। तो अपने सुधार का विचार नहीं आता उसके दिमाग में, उसके दिमाग में अपने सुधार का विचार नहीं आता। भक्त कहता है प्रभु मैं बड़ा दुष्ट हूँ, तो ये दीनता है, विनम्रता है। जो भक्त है वो कहता है कि मैं बड़ा दुष्ट हूँ, क्योंकि वो सुधरना चाहता है, तो वो कहता है मैं बड़ा दुष्ट हूँ, मेरे अंदर बहुत दोष हैं, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, तो वो सुधरना चाहता है ना। तो ये, लेकिन अभिमान में वो स्वीकार नहीं करता कि उसे सुधार की आवश्यकता है, अभिमान है उसके अंदर। अहंकारम बलम, क्योंकि मेरे पास बल है, मुझे कौन सिखा सकता है, मैं बलवान हूं, किसकी हिम्मत है। अहंकारम बलम, अहंकार, मैं कुछ भी, मेरे अंदर कोई दोष नहीं है, मैं जो कुछ करता हूँ वही सही है, मैं जो कुछ कहता हूँ वही सही है। और अगर कोई मेरे विरुद्ध अगर बोलेगा तो मेरे पास क्या है, बल है, किसकी हिम्मत है, मेरे विरुद्ध कदम उठाने की किसकी पास हिम्मत है। अहंकारम बलम, ये बल है, अहंकार के साथ बल भी होता है। आओ किसकी हिम्मत है मेरे सामने, आवाज उठाने की किसकी हिम्मत है, सिर उठाने की किसकी हिम्मत है, कौन मेरे सामने सिर उठाएगा, मेरे पास बल है, अहंकारम बलम, बल है। मुझे कौन सिखा सकता है,
तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले? मेरे पास बल है, मैं बलवान हूं, वो मेरा क्या कर लेगा, वो मेरा क्या कर लेगा? इसलिए जो कुछ मैं करता हूं वही सही है क्योंकि मैं बलवान हूं, आप क्या कर लोगे मेरा, है ना। हिरण्यकशिपु ने सोचा विष्णु ने मेरे भाई की हत्या की, अतः विष्णु मेरे शत्रु हैं। हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु का भाई था हिरण्याक्ष, है ना। तो भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया, तो भगवान तो बिल्कुल निर्दोष है, हिरण्याक्ष ही अन्याय कर रहा था, वो खुद ही मरने आया, भगवान से युद्ध किया और भगवान के हाथों मारा गया, है ना। लेकिन हिरण्यकशिपु ने भगवान को ही दोषी माना। क्यों भगवान को दोषी क्यों माना? कि भगवान ने मेरे भाई का वध किया, अब मेरा भाई का कोई दोष नहीं है, क्यों मेरा भाई है, वो मेरा भाई था, तो मेरा भाई चाहे जितना भी गलत करे वो मेरा भाई है तो वो गलत नहीं माने जाएगा, क्यों? क्योंकि मेरा भाई है वो। और विष्णु ने मेरे भाई की हत्या की है तो विष्णु का ही दोष है क्योंकि मेरे भाई की हत्या की है, मैं और मेरा ये। तो हिरण्यकश्यप ने विष्णु से शत्रुता बनाई इस कारण से, मेरा भाई जो कुछ करे वो सही है, मैं जो कुछ करूं वो सही है क्योंकि मैं हूं। तो इसको कहते हैं अभिमान। द्वेष करते हैं, जैसे दुर्योधन ने द्वेष किया तो दुर्वासा मुनि की बड़ी सेवा की, दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि की बड़ी सेवा की तो दुर्वासा मुनि बोले ठीक है मांगो, तुम्हें जो भी वरदान मांगना है मांगो। तो अपने कल्याण के लिए कुछ भी वरदान मांग सकता था दुर्योधन, अपने कल्याण के लिए, अपनी अगला जीवन मेरा अच्छी गति हो, भगवान की भक्ति मिले, भगवान का प्रेम मिले, मांग सकता था, लेकिन नहीं मांगा। उसको द्वेष है पांडवों से, पांडवों को जो है जुए मैं जो है कपट पूर्वक हरा करके उनका राज्य ले लिया है और 12 साल का वनवास दे दिया है, लेकिन वे जो है उसमें भी सुखी हैं, तो वे सुखी क्यों हैं, उनको दुख क्यों नहीं मिल रहा है? इसी दुर्वासा मुनि से वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? कि आप उनके पास जाइए भोजन करने के लिए, और उस समय जाइए जब भोजन द्रौपदी ने भोजन कर लिया हो, जब द्रौपदी भोजन कर लेगी तो उस अक्षय पात्र में से कुछ भी नहीं निकलेगा। द्रौपदी जब तक भोजन नहीं करती है तब तक अक्षय पात्र में से हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों को भोजन करा सकती है वो, और जब भोजन वो कर लेगी तो उसमें से फिर कुछ नहीं निकलेगा। तो दुर्वासा मुनि से क्या वरदान मांगा? कि आप पांडवों के पास जाइए भोजन करने के लिए, उस समय जाइए जब द्रौपदी ने भोजन कर लिया हो। दुर्वासा मुनि भी उसके जो है वचन, उसको चूंकि वचन दे दिया था इसलिए उनको भी द्वेष करना पड़ा पांडवों से द्वेष। अब उनको पता है, दुर्वासा मुनि को पता है कि उस समय भोजन वो नहीं दे पाएंगे, और जब भोजन नहीं दे पाएंगे तो मैं उनको साप दूंगा। तो दुर्वासा मुनि को पता है कि दुर्योधन क्या चाहता है, लेकिन चूंकि उन्होंने वचन दिया कि तुम जो कुछ भी वरदान मांगोगे मैं दूंगा, तो दुर्योधन ने मतलब एक प्रकार से यही वरदान मांगा कि आप पांडवों को आप साप दीजिए। और दुर्वासा मुनि मान गए कि ठीक है, हाँ मैं पांडवों को साप दूंगा। सीधे तो नहीं कहा कि मैं साप दूंगा, लेकिन भोजन करने के लिए जाएंगे उस समय भोजन उनके पास होगा नहीं, भोजन करा नहीं पाएंगे तो साप तो देना ही। तो दुर्वासा मुनि ने मान लिया, यहां मैं साप दूंगा, पांडवों को साप दूंगा, है ना। तो दुर्वासा मुनि द्वेषी बन गए, लेकिन भगवान की कृपा है, अपने भक्तों के ऊपर भगवान की कृपा होती है। अगर भक्त में ऐसा दोष आता है, द्वेष करता है, तो भगवान उसको भय पैदा करते हैं,
उसको सुधारते हैं। दुर्वासा मुनि को भगवान ने भय पैदा कर दिया। दुर्वासा मुनि आए पांडवों के पास और युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि महाराज आप भोजन करिए, तो बोले हाँ हाँ भोजन तो करना ही है, मैं अभी स्नान करने के आता हूँ, तैयार करो। अब यहाँ द्रौपदी को चिंता हो गई, अब कहाँ से भोजन है। तो भगवान ने फिर क्या किया कि उसी अक्षय पात्र में से एक साग का टुकड़ा निकाल करके खा लिया और कहा कि इससे संपूर्ण जगत तृप्त हो जाए और दुर्वासा मुनि जितने भी उनके 10,000 उनके शिष्य थे, ऐसा कसके उनका पेट भरा कि उनको चिंता हुई कि वो बुलाने आएंगे तो हम कैसे खाएंगे, तो उनको भागना पड़ा, भयभीत होकर के भागना पड़ा। तो भय तो दुर्वासा मुनि के अंदर द्वेष नहीं था पांडवों के प्रति, लेकिन दुर्योधन ने द्वेष पैदा किया, तो दुर्वासा मुनि को जो है भगवान ने भय पैदा कर दिया, सुधारा। तो भगवान अपने भक्त को सुधारते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज से दुर्वासा मुनि ने द्वेष किया कि जिस समय एकादशी का व्रत किया था, अगले दिन वो पारण कर रहे थे, जिसे कहते हैं ब्रेकफास्ट, पारण कर रहे हैं, तो दुर्वासा मुनि आए तो उन्होंने कहा कि आप भोजन करिए। तो दुर्वासा मुनि बोले मैं यमुना जी में स्नान करने जाता हूँ, और स्नान करने में देर लगाई और पारण का समय बीत रहा था, तो अम्बरीश महाराज ने पानी पी लिया, तो उसमें कोई दोष नहीं था और पारण भी हो गया एकादशी का, और उसमें भोजन भी नहीं माना गया। और दुर्वासा मुनि का वो इंतजार कर रहे हैं कि दुर्वासा मुनि जब आए तो भोजन कराएं, उसके बाद फिर वो भोजन करेंगे। दुर्वासा मुनि उसमें भी बड़ा दोष माना कि तुमने पानी कैसे पिया है? और अम्बरीश महाराज को मारने के लिए कृत्या उत्पन्न कर दी, लेकिन सुदर्शन चक्र ने क्या किया, कृत्या को तो भस्म कर दिया और दुर्वासा मुनि का पीछा किया, दुर्वासा मुनि को भागना पड़ा। तो भक्तों के ऊपर जो है भगवान की ऐसी कृपा होती है कि अगर वो द्वेष कर रहे हैं तो भगवान जो है उनको सुधारते हैं, तो तुरंत ही दंड देते हैं और सुधारते हैं। लेकिन यहाँ जो बात कर रहे हैं भगवान, असुरों की बात कर रहे हैं, असुर लोग द्वेष करते हैं तो उनको तो जन्म जन्म उनको असुर योनि में जाना पड़ता है। तो ये अंतर है, भक्त जो है अगर कुछ करता है, गलती करता है, तो भगवान जो है उसको तुरंत ही दंड देते हैं और सुधारते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है, क्योंकि उसने भगवान का आश्रय नहीं लिया है, अहंकार बल दर्प काम क्रोध इसी का आश्रय लिया हुआ है, तो उसको तुरंत दंड नहीं मिलता है, और वह जीवन भर जो कुछ भी करता है उसका फिर करोड़ों करोड़ों गुना उसको दंड मिलता है। ये अंतर है। अगर हम भगवान का आश्रय लेते हैं तो फिर भगवान जो है हमको अहंकार बल दर्प काम क्रोध से छुड़ाएंगे, अपने आश्रय में रखेंगे। तो हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए, है ना। इंद्र ने द्वेष किया कि ये ब्रजवासी कितने मूर्ख हैं, मेरी पूजा बंद करा दी तो मैं इनको अभी दंड देता हूं। इंद्र ने वर्षा करा दी, ब्रज के ऊपर वर्षा करा दी, लेकिन फिर इंद्र को क्या हुआ, भय प्राप्त हुआ, इंद्र बहुत भयभीत हुआ और फिर कृष्ण से क्षमा मांगी। तो भगवान अपने भक्तों को जो है भय देते हैं और उनको सुधारते हैं। तो ये अंतर है भक्त में और अभक्त में अंतर है। जो आसुरी व्यक्ति होता है वो चूंकि भगवान का आश्रय नहीं लेता है, अहंकार बल दर्प काम क्रोध का आश्रय लेता है, इसे जन्म जन्म उसको फिर दंड भोगना पड़ता है। असुरों को दंड नहीं देते बल्कि उन्हें बार बार आसुरी योनियों में गिराते हैं। जैसे दिति कश्यप मुनि की पत्नी है, दिति तो उसकी ईर्ष्या है, अदिति सौत, अदिति से ईर्ष्या है। दिति के दो पुत्र हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, दोनों भगवान के द्वारा मारे गए, और अदिति के 12 पुत्र हुए जिनमें एक इंद्र भी हैं, देवताओं के राजा हैं, और भगवान जो है इंद्र का जो है पक्ष लेते हैं और इंद्र की सुरक्षा भी करते हैं। तो दिति को बड़ी ईर्ष्या हुई
अदिति से कि भगवान ने मेरे तो दोनों पुत्र मार डाले और अदिति के जो पुत्र हैं उनकी रक्षा करते हैं भगवान। तो दिति ने अपने पति कश्यप मुनि से वरदान मांगा, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र की हत्या करे। कश्यप मुनि से वरदान मांगा, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र की हत्या कर दे, है ना। तो कश्यप मुनि दुर्वासा मुनि की तरह नहीं है, जैसे दुर्वासा मुनि को दुर्योधन ने कहा कि आप ऐसा करिए पांडवों से द्वेष करिए, ऐसा नहीं था। कश्यप मुनि बहुत चिंता में पड़ गए, कश्यप मुनि बहुत चिंता में पड़ गए कि अरे मैंने कैसे बड़ी मैंने कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी, स्त्री के मैं वशीभूत हो गया, अब उसको तो मैंने वचन दिया और मुझे वचन पूरा करना पड़ेगा और वचन पूरा करने में मेरे द्वारा बहुत बड़ा अन्याय होगा कि दिति को ऐसा पुत्र मिले जो इंद्र की हत्या करे। लेकिन उन्होंने भगवान से बुद्धि मांगी, जैसे दुर्वासा मुनि ने भगवान से बुद्धि मांगी होती कि पांडवों किसके साथ संबंध भी ना बिगड़े और दुर्योधन को भी मतलब वचन पूरा कर दूं, दुर्योधन के लिए भी वचन पूरा कर दूं और पांडवों के साथ संबंध ना बिगड़े। लेकिन कश्यप मुनि ने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए इसका भी वचन पूरा हो जाए और इंद्र की हत्या भी ना हो। तो कश्यप मुनि को भगवान ने ऐसी बुद्धि दी कि कश्यप मुनि ने दिति को एक जो है व्रत बताया कि तुम ये व्रत करो, एक साल तक तुम्हें ये व्रत करना पड़ेगा और अगर व्रत के सब नियम टूटेंगे नहीं तो एक साल के बाद तुमको पुत्र प्राप्त होगा जो इंद्र की हत्या करेगा, और अगर कुछ नियम टूट गया तो वो तुम्हारा जो पुत्र है वो इंद्र का भाई बन जाएगा। और इतने कठिन नियम बनाए कि दिति से नियम टूट ही गए, और जब नियम टूट गए तो जो उनका पुत्र हुआ वो इंद्र का भाई बन गया। तो कश्यप मुनि जो है इस अन्याय से बच गए, जबकि वचन दे दिया था कि ठीक है तुम जो कहोगे वैसा ही होगा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो इस तरह से प्रार्थना मतलब करना चाहिए, हमें इस तरह से प्रार्थना करना चाहिए कि हम जो है असत संग से बचें। तो बहुत प्रकार के लोग होते हैं जो द्वेष करने वाले हैं, उनकी संगति में फिर हमें भी द्वेष करना पड़ता है, हम भी बच नहीं पाते हैं, हमें भी द्वेष करना पड़ता है, हमें भी अपराध करना पड़ता है। अगर भगवान बुद्धि देंगे तो हम अपराध से बच सकते हैं, है ना। तो आज के श्लोक का यही संदेश है कि भक्तों के साथ भगवान जो है कृपा करते हैं, और भक्त में अगर द्वेष होता है तो भगवान अपने भक्त को सुधारते हैं, लेकिन जो अभक्त है जो द्वेष करता है तो भगवान उसको सुधारते नहीं है बल्कि उसको दंड देते, और वो दंड कई कई जन्मों तक चलता है। तो ये भगवान का जो है ये स्वभाव है, हमें ये समझना है और भगवान के स्वभाव का हमें फायदा उठाना चाहिए, भगवान के स्वभाव का हमें फायदा उठाना चाहिए। भगवान का स्वभाव है कि अगर आप उनका आश्रय लेते हैं, अगर आप उनसे प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं है? कि मेरे अंदर ये आसुरी भाव दूर हो जाए, तो भगवान आपका आसुरी भाव दूर करेंगे। आपके अंदर आसुरी भाव है, द्वेष का भाव है, अहंकार है, काम है, क्रोध है, है? तो आप प्रार्थना करते हैं भगवान से तो आपके ये सब जो दोष हैं वो भगवान दूर करेंगे और आपको सब प्रकार के सद्गुण देंगे। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं भगवान से, आप ये कृपा नहीं चाहते हैं और आप जो है अहंकार बल दर्प काम क्रोध कहीं आश्रय लेते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता,
मैं भगवान की कृपा नहीं लेना चाहता, मैं भगवान की शरण नहीं लेना चाहता, मैं क्यों भगवान के सामने झुकूं? अहंकार बल दर्प काम क्रोध, मैं क्यों झुकूं भगवान के सामने? तो फिर क्या परिणाम होगा? द्वेष, यही द्वेष। अगर आप कहते हैं कि मुझे भगवान से कोई सहायता नहीं चाहिए, मुझे भगवान से कोई गुण नहीं चाहिए, मुझे भगवान की कृपा बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं खुद जो है भगवान बनना चाहता हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं खुद ही भगवान हूँ, तो ये क्या है? अहंकार बल दर्प काम क्रोध। इस भाव से जो है हमारा बहुत नुकसान होगा। तो आज के श्लोक में ये जो है संदेश है। अभी हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, इनका प्रश्न है कि जो गंडकी नदी में शालिग्राम के जो का निर्माण होता है, तो वो कीड़े काटते हैं, तो कीड़े गंडकी नदी में, तो क्या वो भी 84 लाख योनियों के अंदर है? हाँ, वो भी 84 लाख योनियों के अंदर है, वे कीड़े भी 84 लाख योनियों के अंदर ही हैं। लेकिन अब विचार करना पड़ेगा कि इसमें कितनी मतलब कितना रहस्य है, ये तो विचार करना पड़ेगा, क्योंकि वे शालिग्राम के जो है पत्थरों के आकार बनाते हैं, शालिग्राम पत्थर को काट काट करके उसमें चिन्ह बनाते हैं, अलग अलग प्रकार के शालिग्राम के चिन्ह बनाते हैं, तो वो कीड़े जो है मतलब उनकी क्या गति होगी, तो ये तो बड़ा रहस्य है। अभी हम लोग इस निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि वास्तव में क्या उनकी क्या गति होती है, लेकिन है कुछ विशेषता तो है ही है। वे जो कीड़े हैं शालिग्राम में चिन्ह बनाते हैं, अपने दांतों से काट काट करके पत्थर को जो है शालिग्राम के चिन्ह तैयार करते हैं। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी, भगवान कृष्ण की 16 कलाएं, तो 16 कलाओं का वैसे तो जिक्र आता है, कहीं पर आता है जिक्र, लेकिन हमारे ग्रंथों में उनके 64 गुणों का वर्णन किया गया है, भगवान के 64 गुणों का वर्णन किया गया है, और इनका जो है विस्तार से वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, चैतन्य चरितामृत में आता है, 64 गुणों की बात आती है। ठीक है, और कोई? हाँ जी, हाँ हाँ, 4 लाख प्रकार के मनुष्य, 4 लाख प्रकार के मनुष्यों की शरीर की बनावट भी जो है मतलब ऐसी है, और सृष्टि में है इस प्रकार के मनुष्य। तो मनुष्यों को जो है अगर देखा जाए तो बहुत इसका व्यापक अर्थ होता है, मनुष्य योनि मतलब अगर 84 लाख योनियों में देखा जाए तो मनुष्य की योनि में जो है देवता भी आ जाते हैं, और गंधर्व हैं, चारण हैं, भूत प्रेत बेताल ये सब आते हैं, और ब्रह्मा जी भी आ जाते हैं। ब्रह्मा जी अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके जैसा और कोई नहीं है, तो ब्रह्मा जी एक अलग हैं, फिर उनके शरीर से मन से और भी कई प्रकार की जो है संतानें उत्पन्न हुई हैं, तो उनके भी अलग अलग प्रकार के स्वभाव और उनके शरीर की बनावटें अलग अलग प्रकार की हैं, तो इस तरह से 84 लाख प्रकार हो जाता है। ठीक है, देवी देवताओं के पास जो शक्ति है वरदान देने की, तो वो भगवान से ही आ रही है, लेकिन भगवान ये बताते हैं कि जो भगवान का आश्रय ना लेकर के देवी देवताओं का आश्रय लेते हैं भौतिक कामनाओं के कारण, तो उससे उनका लाभ नहीं होता। देवताओं से उनको भौतिक वरदान प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन वो भौतिक वरदान भी उसी प्रकार से नाशवान होते हैं जैसे शरीर नाशवान है। इस शरीर में जो है जब मृत्यु होती है, ये शरीर समाप्त होता है, तो उनको जो भी वरदान प्राप्त होते हैं देवताओं से, वो भी
समाप्त हो जाते हैं। सब है तो भगवान के द्वारा ही, गलत को अगर वो वरदान देते हैं, अगर वरदान देते हैं तो उससे कुछ लाभ नहीं है। सबसे पहली बात तो ये समझो कि उससे कुछ लाभ नहीं होता है, उनको कोई लाभ नहीं होता है। और वो जो है चूंकि अपने को धोखा देना चाहते हैं, तो भगवान को छोड़ करके वो उन अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। वो उस वरदान का दुरुपयोग करते हैं और उसका जो है फिर उनकी दुर्गति होती है। इसी गीता में भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आओ। अगर हम भगवान की शरण में आते हैं तो हमारे अगर कुछ गलत भाव होते हैं, अगर गलत हमारे मांगे होती हैं, तो भगवान पूरी नहीं करेंगे। लेकिन जो देवी देवता हैं वो आपकी गलत मांगे पूरी कर देते हैं और उसका फिर गलत परिणाम आपको भोगना पड़ता है। हाँ, वैसे तो ये है कि भाई जो है बहन को ससुराल छोड़ने जाता है जिससे कि बहन को अकेलापन ना महसूस हो। तो कंस का जो है विशेष राग था देवकी के प्रति कि उसको जो है अकेलापन ना महसूस हो, तो वो छोड़ने जा रहा था। तो ये भावना अपसुता ही भावना होती है कि इस तरह की, मतलब कि भाई अपना जो भाई है वो जा रहा है छोड़ने के लिए, तो इस तरह का ये भाव होता है ऐसा कि लड़की है अपने घर से दूसरे घर जा रही है, उसको अकेलापन लगेगा, है ना। तो अपना भाई है जा रहा है छोड़ने के लिए जा रहा है ना। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री राधा पारसारथी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो।